हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार फॉर सेल। इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने हमारी फर्स्ट सुपर कार लैम्बोर्गिनी को जो है वो परचेज कर लिया था, बट आज मैं सारे के सारे कार्स को जो है वो खरीदने वाला हूँ। इस गेम में जितने भी कार्स है, चाहे वो कार मार्केट के अंदर हो, नेबरहुड के अंदर हो, कार ऑक्शन के अंदर हो, उन सारी कार्स को जो है आज आपका भाई खरीदने वाला है। तो चलिए हमारे पार्किंग स्लॉट को जो है वो खचाखच गाड़ियों से भरते हैं। और गाइस, हम दोबारा से आ गए हमारी कार डीलरशिप के अंदर, और ये वाली कार जो है हमने पिछले एपिसोड में बाय की थी, जो हम लेकर आए थे कार ऑक्शन से। और अब ना हमारे फटाफट से इस कचरे को जो है वो इसके अंदर डालते हैं। यार बहुत सारा कचरा फैल गया है इधर। चलिए फटाफट से इस कचरे के जो बैग्स हैं उन सबको जो इधर हमारे डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। चलो गाइस, हमारा एक काम तो कम्प्लीट हो गया, और अब हम चलते हैं कार मार्केट के अंदर। वहाँ से हम जितने भी कार्स हैं वहाँ पर, चाहे कितनी भी महंगी, और सारी कार्स को जो है आज आपका भाई खरीदने वाला है। तो हम आ गए हैं कार मार्केट के अंदर, और वाओ गाइस, यहाँ पर ना बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं, और ये एक दो यहाँ पर ख़राब कार्स भी हैं। तो चलिए फटाफट से इस कार के जो है वो प्राइस पूछ लेते हैं भैया से। हेलो भैया, ओ 3.25 लाख रुपये, 3,16,000 रुपये की कार ली है, और इसको ना हम उन जितनी भी कार्स हैं उस सबको खरीदने के बाद खरीदेंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ से शुरू कर लेते हैं, लाइन वाइज से शुरू कर लेते हैं, और फटाफट से ये कार जो है हमने, यार इससे बार्गिन करते हैं। यार ये थोड़ा सा इतने घटिया कार के 9,000 लगा रही है यार ये। चल इससे कुछ रैंडम नंबर लगा दिया मैंने, 6, 7, 8, 9। और नो गाइस, ये ना इतने कम रुपए में नहीं दे रही है। तो चलिए लगाओ बहन जी, आप मुझे दे दो 8,000 रुपये में। नहीं यार, ये 8,000 रुपये में भी नहीं मान रही, तो चलिए तो मुझे इसी प्राइस में दे दो। चल छोड़ो, चलो इससे बिना हम बाय कर लेंगे 9,000। चलो तुम मुझे इसी प्राइस में दे दो, चलो किस्सा ही ख़त्म करो इस गाड़ी का। और ये गाइस, गाड़ी हमारी हो चुकी है, और अपना इस वाली कार को 24% डैमेज है। लॉर्ड लुकस 1998, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी आ रही है, $5,000 में। चलो इसको भी खरीद लिया, और अपना हमारी फरारी इसको खरीदेंगे सबसे लास्ट में, ताकि हमारे पास जितने भी पैसे हो उससे हम पता कर सकें। और अभी हमारे पास करीब $10,00,000 हैं, तो अभी हमारे पास काफ़ी सारा पैसा पड़ा है। और यह है BMW सीरीज फर्स्ट, जो कि है 11,000। चलो इससे ना बार्गिंग करा कर $10,000 के अंदर ना, मुझे लगता है ये 9,000 में तो नहीं देगी, 10,000 में दे देगी। 9,000 में नहीं नहीं नहीं, ये 10,000 लगा के देखते हैं, शायद ये $10,000 के अंदर हमको दे दे यार। लेकिन काफ़ी पुरानी गाड़ी आ रही है, 2012 का जो है मॉडल है। नहीं नहीं यार, चलो तू मुझे 11,000 में देनी, तो चलो इसे 11,000 रुपये में ही परचेज कर लेते। हुंडई फांडा, शायद से हुंडई कंपनी की आ रही है, क्या क्या नाम रख रखी है इसने, शायद यहाँ पर रियल नाम नहीं रख सकते, कुछ रीज़न होगा। तो $28,000 की हमने इसको लगा दी है भाई। ओ दे दी, चलो चलो अब नेक्स्ट। ये कौन सी है, XUV, यह भी हुंडई की है, 2015 मॉडल है। तो चलो इसको बना $19,000। चलो इसको ना यार हमें एक काम करते हैं, $17,000। ओके भैया कैसे है प्राइस। अरे यार ये आज यार ये बार्गिंग क्यों नहीं कर रहे, इनको शायद पता लगा होगा हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो यार ये कम ही नहीं कर रहे यार प्राइस को। यार पता नहीं इनको कैसे पता लग जाता है, बहुत पैसा यार आज हमारे पास, ये क्या है। तो फास्ट, चलो इसको भी हमने परचेज कर लिया। ये कितने की यार, ये सबसे घटिया गाड़ी लगती है मुझे, कैट्रोइन A1। क्या यार ये लगती तो ऐसी है जैसे नैनो है ना, वो आप टाटा वाली वैसी लग रही है यार ये। जो रोंगे की क्या यार, ये रोंगे की क्या यार नाम, ये $56,000। चलो इसको 50 में करते हैं डन, डैमेज 0% है ये। चलो अबे यार तो 52,000 में कर लो यार, चलो $3,000 इसके अंदर हमको बच गए। और गाइस ये है चेवलेट चीवी यार, इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है यार, $81,000 है। तो इसको नाम $75,000 के अंदर डन कर लेते हैं शायद से, यार दे दो भैया। ओके चलो गाइस, हमने ना, और ये हमारी लास्ट गाड़ी है, और उसके बाद ना हमारी उस फरारी को खरीदेंगे, और उसके बाद हम जितनी भी कार्स है उस सारी कार्स को हमारे पार्किंग स्लॉट के अंदर भरेंगे। तो चलिए फटाफट से इस 30,000 के अंदर इसको
ओके, सारी कार्स हमारी हो चुकी है और जितने भी कार्स है उस सारे कार्स को अब ना हम एक एक करके हमारे पार्किंग स्लॉट के अंदर लेकर जाएंगे। और ये फरारी कहाँ पे गई? ओ यार, इधर ही तो खड़ी थी वो फरारी। ये रही। हेलो भैया, बता दो अब कितने लगा रहे हो इसके? 316,000 रुपये के तो हम इसके $3,00,000 ही इसके देंगे। $3,00,000 यार, 2008 मॉडल है यार, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और फिर भी यार इतने महंगी है। तो चलो गाइस, हमने ना सारी कार्स को जो है वो बाय कर लिया है। और ये कुछ स्किल्स पॉइंट है यार, ये कब खुलेगा? शायद ये हमको पहले इस रो को कंप्लीट करना होगा और फिर ना हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं, और भी ज़्यादा बेटर बार्गेन हम कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला क्या है? हैप्पी कस्टमर आर लेस द एंग्री नाउ। ओके यार, ये कब खुलेगा यार मैं? और अब ना गाइस, थोड़े बहुत जो स्किल पॉइंट है वो आने के बाद जो हमारी कार वो सेंटर वाले भैया हैं उनकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ना अभी वाटर से कार वॉश करने का फीचर आने वाला है। तो चलिए फटाफट से ना इन सारी कार्स को हमारे पार्किंग स्लॉट के अंदर लेकर जाते हैं, और एक दो को तो इधर से भिजवा देते हैं। इसको ये भिजवाई, इसको पार्किंग सेंटर भिजवा दिया, और लैम्बोर्गिनी को तो यार वो क्या, फरारी को तो मैं खुद चला कर लेकर जाऊँगा। ये अरे वाह, हट जाओ भाई। ओ गाइस, कितनी प्यारी गाड़ी है यार, कितनी। और गाइस, अब आ गए हमारे ऑफिस के अंदर, और अपना फटाफट से हमारा जितना भी ये एरिया है ना, इस एरिया को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। काफ़ी छोटा एरिया है हमारा ये, तो इसको ना फटाफट से लैपटॉप के अंदर जाकर डेकोरेशन वाले सेक्शन के अंदर, इसे ये 2 लाख रुपए का है, तो चलिए इसको ना कर लेते हैं हम एक्सपेंड। ओके, और अब ना काफ़ी बड़ा एरिया है और इसके अंदर ना और भी ज़्यादा कार्स को लेकर आ सकते हैं। और जब नेक्स्ट डे हमारा कार मार्केट खुलेगा ना, हम वहाँ से और भी कार्स को लेकर आएंगे। तो चलिए फटाफट से इस कार को जो है वो रिपेयरिंग सेंटर में भेज देते हैं। और ये लगा दी हमने रिपेयरिंग पर, और $480 की इसकी फीस। ओके, ये गाड़ी हमारी हो गई रिपेयर होके तैयार, और अपना इसकी ट्यूनिंग कराते हैं। और पहले तो इसको ना पेंट करा कर, स्क्वायर कौन सा पेंट कराएं यार, इसको ना हम कराएंगे ब्लैक। ऐसी गाड़ियों का ना ब्लैक कलर ही अच्छा होता है, तो फटाफट से ना हम इसको ब्लैक कलर करवा लेते हैं। ओके, 300 रुपये इसके दे दिए। ओके चलो, अब ना इसको हम खड़ी करेंगे हमारे पार्किंग के अंदर। पहले इसके ट्यूनिंग व्यूनिंग करा देते हैं। सस्पेंसर आई थिंक इतना बहुत है, ज़्यादा ऊंचे करेंगे यार फिर भी ये ख़राब लगेगी। तो चलिए $120 इसको दे दिए। चलो, इस गाड़ी का ना पूरा काम हो गया, और अब इसको लेके चलते हैं हमारे अड्डे पर। क्या बोल रहा हूँ यार मैं। ओके, इसको ना इधर की साइड खड़ी करते हैं, लेफ्ट साइड में। और गाइस, हमने ना इसको खड़ी कर दिया यहाँ पर, इस मैंने इसको इधर वाली साइड पर खड़ी किया। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, उसको ना लेफ्ट साइड में खड़ी करेंगे। तो चलिए फटाफट से ना हम एक और कार को लेकर आते हैं कार मार्केट से आज। और गाइस, हमको ना आज रात पे भी यहीं पर ही रुकना होगा, और जितने भी कार्स है कार मार्केट के अंदर, और उन सारी कार्स को जो है यहाँ पे पार्क करना होगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि अगले दिन कोई भी काम बचे। तो चलिए फटाफट से ना हम आ गए हैं कार मार्केट के अंदर। इन पहले वाले इसको लेकर चलते हैं इस बार, इसको तो इधर से प्रिपेयरिंग सेंटर पर भिजवा देते हैं। ओके, और इसको भिजवा देते हैं रिपेयरिंग सेंटर पर। चलो, इसको लेके जाते हैं ड्राइव करके। एक सेकेंड। आई थिंक, ओ क्या ड्रिप लगाई है, शायद से BMW है। और इस बार ना हम इसको भिजवा, और इस बार ना हम इसको लेके जाते हैं। और ये कौन सी है? अरे ये क्या हो गया? अरे रे 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 यार, इतने भी ड्रिप नहीं लगाते यार। ओके, इसको कर दिया यहाँ पर पार्क, और अब फटाफट से ना एक और कार को लेकर आ जाते हैं। हमने काफ़ी कार्स को यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया, और अब ये दो ही कार बचे हैं, इसको भी ना अब इस कार को ना हम फटाफट से लेके चलते हैं हमारे कार अड्डे के। और नहीं यार, काफ़ी सारी कार्स बची यार, अभी तो 3 गाड़ियाँ और बची हैं हमारे पास यार। यहाँ पर कोई फीचर होना चाहिए था यार, इन सारी गाड़ियों को ना एक साथ लेके जाने का। इस बार लेके चलते हैं इसको, लेट्स गो।
अरे ये ऐसे कैसे चल रही है? आई थिंक इस ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। और अब जो वो कार है ना उसको सुबह आके देखेंगे यार, मैं तो जा चला सोने। ये रहा हमारा कंटेनर। और गाइस हम आ गए हैं फिर से हमारी नींद पूरी करके, और चलिए फटाफट से ना चलते हैं कार मार्केट के अंदर। जो हमारी जो पहले कार बची थी यहाँ पे देखो वो रही, उसको ना फटाफट से हमें, जिसको हम यार कल छोड़ कर चले गए थे यार, इसको नहीं लेके गए यार। ये वैसे है यार सबसे घटिया कार है यार ये। और गाइस देखो हमने हमारी सारी की सारी कार्स को जो है यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया, और अब एक एक करके इसको रिपेयर करेंगे। सॉरी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके इसको लेके चलते हैं। काफ़ी कार्स जो है वो हमारे पास एकदम न्यू है, और काफ़ी कार एकदम घटिया है जिसको हमें रिपेयर कराना होगा। तो चलिए फटाफट से ना इस कार को ट्यूनिंग करवा लेते हैं। ये रहा हमारा ट्यूनिंग सेंटर। और लो भैया यार कर दो यार इसको फटाफट से ट्यूनिंग। 700 ड्रिफ्ट किट, ओके इतना ही करवाएंगे इसके अंदर, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके इसको भी ले गए यार। ये गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने यार इसको कब पार कर दिया यार इधर? आई थिंक कल रात को कर दिया होगा यार। आज तो कचरा भी साफ नहीं किया यार दुकान का। ओ ओ ऑलरेडी यार टू कार्स हमारे पास पार्किंग पे लगी हुई है। तो चलिए यार इसको ना आई थिंक यार ये रिपेयर होगी क्या यार? ये रिपेयर आई थिंक हो गई। चलो ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका यार मैं नाम भूल गया, कौन क्या था नाम यार इसका? इसको पहले करवा लेते हैं कलर। कौन सा कलर करवाएं यार इसके? इसके शायद यार मेरे रेड या फिर ग्रीन, इनमें से कुछ करवाएं ये। और अभी ना इस गाड़ी को लेके चलते हैं ये रखी रिपेयरिंग सेंटर पर। चलो हेलो भैया इसको कर दो $55। ओके और अभी ना हम चलते हैं पेंटिंग वाले भैया के पास। हेलो भैया किस कौन सा कलर अच्छा लगेगा इस पर? रेड तो यार आई थिंक रेड या फिर कोई मिक्स वाला कलर कौन सा है इस? ये वाला भी यार वैसे खास लगा नहीं यार मुझे। आई थिंक ये सही लगेगा वॉयलेट कलर। ओके नया ज़्यादा पिंक और नया ज़्यादा एकदम वॉयलेट। ओके ये नहीं नहीं यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ओके ये कलर जो है एकदम शानदार लग रहा है ना गाइस? अभी ना हम इसको लेके चलते हैं हमारे ट्यूनिंग सेंटर के अंदर। चलो इसके अंदर क्या ख़राबी हो गई पता नहीं, वो तो हमारे भैया बता देंगे। ओ गाइस इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ओके डाइस ट्रबोन एनोस, ओके सब फिट कर दिया इसके अंदर। और अब चलते हैं हमारे पार्किंग स्लॉट के अंदर। चलो अरे रे 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 वाह यार क्या डिफ्ट है। ओ और इसको ना हम इधर राइट साइड के अंदर लगा देते हैं। चलो जितनी भी छोटी कार्स है उसको इधर की साइड लगाएंगे, और जितनी वो जो बड़ी एक्सयूवीज हैं उसको इधर की साइड लगा देंगे, काफ़ी अच्छी लगेगी वैसे। और अब इस कार को लेके चलते हैं हमारे, पहले इसको रिपेयर करवाएंगे यार। सबसे घटिया कार इस गेम की मुझे तो भाई साहब यही लगती है, सबसे घटिया कार। देर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके आई थिंक ये ओ नो यार ये ऐसे कैसे आ गई? आई थिंक इसको मैंने रिपेयरिंग पे नहीं लगाया। ओ शिट यार इसको लगा देना चाहिए था यार, मैंने यार पता नहीं क्यों नहीं लगाया इसको। ये हमारी BMW सीरीज फर्स्ट, इसको ना पहले करवाएंगे कलर। अरे रे इसको क्या हो गया भाई? इसके ब्रेक मैंने कहा था ना सबसे घटिया कार इसकी। चलो ट्यूनिंग करवा लेते हैं पहले। ओके रेसिंग किट TCS NOS, ओके सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डलवा दी है, और थोड़ा सस्पेंसर जो है उसको भी थोड़ा अपग्रेड कर दिया। चलो अब चलते हैं हमारे पेंटिंग सिस्टम के पास। यार हमें ना बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना होगा, क्योंकि ना हमें नेक्स्ट डे जो है वो कार मार्केट के अंदर और भी, अरे वो गाड़ी देखो कहाँ पे चली गई, पार्किंग स्लॉट के अंदर चली गई लुढ़कती लुढ़कती। ओके क्योंकि ना गाइस हम नेक्स्ट डे जब कार मार्केट क्योंकि गाइस नेक्स्ट डे जब कार मार्केट खुलेगा ना तो उसके अंदर भी हमको ना
कार्स को बाय करना होगा, तो चलिए फटाफट से यहाँ पे इसको पेंट कर देते हैं। मुझे ना आई थिंक ये कलर ना एकदम बेस्ट लगा है, ना ज़्यादा डार्क है और ना ज़्यादा वाइट। ओके, लेकिन ये कलर भी अच्छा है यार, वैसे मैरून, ये ज़्यादा करेंगे तो रेड हो जाएगा। स्मूथनेस थोड़ी कम करते हैं, पहले पेंट करवा लेते हैं। आई थिंक यार पहले पेंट करवा के भी हम रिपेयर करवा सकते हैं। तो चलिए इसको ना और इस वाली कार को ना हम लेके चलते हैं, इसकी ट्यूनिंग व्यूनिंग करा लेती क्या यार हमने, पता नहीं यार मुझे। आई थिंक इसकी ट्यूनिंग हो गई, तो इसको ना हम लेके चलते हैं। ओ शिट, वो तो चेक कर लेंगे यार, ट्यूनिंग करवाई है या फिर नहीं करवाई। यार मैंने इसको इधर क्यों खड़ी कर दिया था। और भाई आपका काम कैसा चल रहा है, आई थिंक आपने ये रिपेयर कर दी होगी। तो चलिए ले चलते हैं इसको पार्किंग, पार्किंग नहीं यार, ट्यूनिंग सेंटर के अंदर। ये गाड़ी यार काफ़ी शानदार है यार, ये देखो एकदम एकदम चकाचक लग रही है। आई थिंक ये रिपेयर होने के बाद ऐसी लग रही होगी। और अभी ना इसको जल्दी से एक सेकेंड इसको इधर की साइड खड़ी कर देते हैं, पहले ट्यूनिंग सेंटर के अंदर जो गाड़ी खड़ी है ना उसकी ट्यूनिंग करा लेते हैं। देखो और एक रही इसकी सेम टू सेम यार कार, ये रही। ओके इसको ना इधर से भिजवा देते हैं। ओके चलो अब इसकी करते हैं ट्यूनिंग। ओके इसके अंदर कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगा, अभी से थोड़ा सा सस्पेंसर लगा देते हैं। ठीक है अब ठीक है, चलो गाइस अब चलते हैं पार्किंग। इसको एक बार के लिए इधर ही पार्क कर देते हैं। ओ शिट, अंधेरा हो गया और अब नेक्स्ट डे का इंतज़ार करते हैं। और चलिए फटाफट से चलते हैं घर के अंदर, काफ़ी काम कर लिया आज। नेक्स्ट डे जब कार मार्केट खुलेगा ना तो वहाँ से भी हम और भी कार्स को लेकर आएंगे। तो चलिए अभी के लिए हम सो जाते हैं। ऑल राइट गाइस, हम फिर से आ गए हैं उठकर और अब चलते हैं फटाफट से ऑफिस के अंदर, जो पहले कचरा उचरा पड़ा है उसको साफ़ करते हैं और फिर चलेंगे हम कार मार्केट के अंदर। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है उसको साफ़ कर लेते हैं और डाल देते हैं हमारे डस्टबिन के अंदर। चलो और अभी ना हम मैं सोच रहा हूँ यार हमें थोड़े बहुत पैसे और लेने चाहिए यार लोन से। तो चले अभी इसके अंदर लोन लेते हैं, कितने का। नहीं यार लोन नहीं मिल सकता हमें, पता नहीं क्यों लेकिन हमें लोन नहीं मिल सकता आज, तो नहीं मिल सकता। इस वाली कार को हम लेके चलते हैं हमारे रिपेयरिंग सेंटर के अंदर, कार मार्केट से। यार हमें और भी कार को लेकर आना होगा क्योंकि यार इतनी कार से काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए गाइस इसको करा लेते हैं रिपेयर। ओके ये रिपेयर हो रही है, इतनी देर में हम किसी कार को कार की ट्यूनिंग व्यूनिंग करा लेते हैं, इसी करा लेते हैं। चलो ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया इतनी यार, रिपेयर करके दिया है क्या करके दिए है। चलो गाइस इसको करा लेते हैं पेंट, इसको आई थिंक रेड ब्लू, इसको स्काई ब्लू करा देते हैं। चलो स्काई ब्लू यार ये रेड में ही अच्छी लग रही है, ये तो वैसे मेटेलिक को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, स्मूथनेस को भी थोड़ा सा एकदम मीडियम रखेंगे। चलो ये हो गया हमारी गाड़ी रेडी और इसको लेके चलते हैं। चलो हमारे पार्किंग सेंटर के अंदर, इसको इधर की साइड ही खड़ी कर देते हैं। ये क्या है, क्रूजर है क्या है। चलो हमारे पास टोटल चार कार हमारी पार्किंग में आ गई हैं एकदम रिपेयर वेपेयर करवा कर। और अभी हम इसको ना वॉश कब कराएंगे यार इन कार्स को, वॉश ना हम स्किल पॉइंट मिलने के बाद ना हम खुद ही इसको वॉश कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन कार्स को रिपेयर वेपेयर करवा कर हम सेल तो अभी नहीं करेंगे, सेल हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे क्योंकि आज ना यार हमारे पास बहुत सारा काम हो गया है, तो हमें ना इसके लिए एक और एपिसोड बनाना होगा। वाह क्या ड्रिफ्ट थी, नेक्स्ट एपिसोड में हम इन सारी कार्स को जो एक एक करके सेल कर लेंगे। तो चले गाइस अभी तक अभी हम इसको यहाँ
हमारे पास कार खत्म हो गए हैं, तो चलिए फटाफट से चलते हैं कार मार्केट के अंदर और लेकर आते हैं और कार्स। और गाइस अपना है, मैं भी सारी कार्स को एक बार और ख़रीदने वाला हूँ, पूरी पूरी जितनी हो सके उतनी हम खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इसमें अब की बार थोड़ी लग्जरी कार ज़्यादा आ चुकी है। देखो इसकी प्राइस है 85,000, तो इसको ना थोड़ी देर बाद में ख़रीद लेंगे और अभी ना हम ख़रीदते हैं छोटी छोटी कार्स है जो ये 50,000। ओके हेलो मैम, क्या हाल चाल आपके? 32,000 मुझे चाहिए, ये 28 में दे दो तुम, आई थिंक ये दे देगी। ओके मिल गई, चलिए। और अभी ना मैं कर देता हूँ वीडियो को 2x। भाई ये इसकी भी ले ली, चलो लगभग कार्स हो गई, एक और बच गई। ओके मैं ऐसे रैंडम नंबर लगा रहा हूँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं ऐसा करूँगा एक ही करके तो यार टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से ना हम सारी कार्स को जो है वो ख़रीद लिए हैं, इसके अंदर दो तीन कार्स है उसको हम ना छोड़ दें क्योंकि यार वो हमारे बजट से बाहर की थी। तो चलिए फटाफट चलते हैं ऑफिस के अंदर और अब इन कार्स को जो है वो हम एक एक करके लेकर आते हैं। और अभी तक हमारे पास हो गए टोटल 5 कार्स, और एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या पता लोन मिल जाए। आर ए बैंक, आर ए का फुल फॉर्म क्या है वैसे? नहीं यार ये लोन भी नहीं दे रही है यार, ये पता नहीं क्यों, मैंने यार सारे बिल्स पे कर दिए थे यार, पिछली बार आपका जो लोन लिया था वो मैंने आपको चुका दिया था, लेकिन पता नहीं यार अब ये क्यों नहीं दे रही यार। देखो ये भी बिल भी हमारे पास अभी तक के लिए तो नहीं आया है, और जब यार अगर थोड़ा बहुत लोन मिल जाता 2-3 लाख रुपए का तब यार अच्छा हो जाता, मैं और भी ज़्यादा कार्ड्स को यहाँ पे लेकर आ जाता था। और अभी के लिए चलो क्या कर सकते हैं, तो चले चलते हैं फिर से, लगते हैं यार दोबारा से मेहनत मजदूरी पर। तो चलो रेडी हो जाओ। ओ शेट यार, काम करने के टाइम पर यार अंधेरा हो गया, चलो चलते हैं यार, आज वैसे भी बहुत ज़्यादा काम कर लिया। और गाइस हम आ गए हैं उठ कर तीसरी बार, तो चलिए अब कार मार्केट के अंदर जो हमारी कार्स खड़ी थी उन सबको एक एक करके लेकर आते हैं। आज ना आई थिंक कार मार्केट तो रहेगा बंद और कार ऑक्शन आज हो सकता है, वहाँ पर तो हम अभी यार नहीं जा सकते क्योंकि यार हमारे पास बजट बहुत ज़्यादा कम हो गया है अभी। अब यार ये काम मुझे एकदम बोरिंग लगता है, अरे अब एक एक करके यार इसको इधर की साइड लेकर जाओ यार, क्या यार ये घटिया काम, अब एक एक करके वापस से जाना होगा यार, ये इधर क्या कर रही है यार, इतने सारी गाड़ियाँ खरीद ली यार, पता नहीं गाड़ी अपने आप चल रही है यार, ये क्या हो रहा है, एक गाड़ी किधर खड़ी है, एक गाड़ी पता नहीं किधर खड़ी है। और देखो गाइस ज़्यादा गाड़ी खरीदने के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, देखो अब गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं बची है यार, गाड़ियाँ इतनी खरीद ली है मैंने कि चलाने के लिए खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं बची है। तो चलिए अब ना इस कार को पेंट करवा लेते हैं फटाफट, और आई थिंक यार ये कलर एकदम से बेस्ट रहेगा इस कार के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर से, मेहनत मजदूरी वाला काम यार बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है यार इसके अंदर, इसको इधर की साइड लगा देते हैं। ओके डन, इधर की साइड सही है एकदम। चलिए यार ये कचरे वचरे इसको भी यार ये हद हो गई यार, सारा काम मुझे से करवा लो तुम, सफाई भी यार मैं ही करूँ यार, और कार की डील भी मैं ही करूँ यार, देखो बताओ यहाँ पर यार एक पोछा पाछा लगाने वाला भी होना चाहिए था यार। और गाइस ये कार भी हमारी हो गई है रेडी एकदम, इसको भी लेके चलते हैं हमारे घटिया से शोरूम। वैसे यार वैसे मुझे घटिया नहीं बोलना चाहिए यार, उसका माँ हम यार उसी से तो कमाई करते हैं यार, सॉरी सॉरी। ओके आई थिंक इसके अंदर सारा सामान डल चुका है, और अब लेके चलते हैं पेंटिंग रूम के अंदर। ओके ब्लू कलर एकदम से अच्छा है इसके। ओके चलो बाय भैया, फिर से आता हूँ आपके पास। इन भैया के तो यार मौज हो गई यार, इतनी गाड़ियों का पेंट करते हैं और ट्यूनिंग भी कराते हैं वो भी, आज तो इनका इनके लॉटरी लग गई। इसको यार इधर ही साइड इधर की साइड
एक्सयूवीज खड़ी है ना, हाँ इधर की साइड से ही है। ओके आई थिंक यहाँ पे परफेक्ट है। चलो इसको ना ये डाल दे। चलो अभी के लिए यार हमारे पास और भी कार्स हैं ना कार मार्केट के अंदर यार, उसको पहले उनको लेकर आ जाते हैं। चलो ये गए हम कार मार्केट और यार नींद आ रही यार मुझे तो आज यार बहुत ज़्यादा काम कर लिया यार। और इसको यार यहीं से भेज दें क्या? ओके